तो यूपी की 25 सीटों को लेकर यह मंथन आज होगा और बताया जा रहा है कि आज चौथी लिस्ट सामने आ सकती है जिसमें 25 वो कौन से प्रत्याशी हैं जिन्हें टिकट मिल सकता है, उनके नाम पर मोहर लग सकती है। बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर आज अंतिम मोहर लगेगी और साथ ही मेनका वरुण गांधी पर भी फैसला संभव है। क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट मिलता है, इस पर भी इस लिस्ट में साफ हो जाएगा। तो आज मंथन होने वाला है 25 सीटों को लेकर। उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है जिसमें सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं। पच्चीस ऐसी सीटें जो काफी अहम रखती हैं और अब देखना ये होगा इन 25 सीटों पर किसका ऐलान होता है और किसके टिकट काटे जाते हैं, कौन से वो नए चेहरे होते हैं जो इस 25 जो लिस्ट आएगी इसमें शामिल होते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अब अहम ये है कि 25 प्रत्याशी कौन से होते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो लिस्ट है वो चौंकाने वाली हो सकती है। मेनका गांधी वरुण गांधी को टिकट मिलता है, इस पर भी सभी की निगाह है। देखिए, कुछ दिन पहले जब पहली सूची जारी हुई थी उत्तर प्रदेश की, तब ये कहा गया था कि जो दूसरी सूची होगी उसमें कई ऐसे नाम होंगे जो 75 पार हो चुके हैं। उसमें सत्यदेव पचौरी का नाम था, बरेली से संतोष कुमार गंगवार का नाम था, ब्रजभूषण शरण सिंह विवादित नाम है उनका नाम था कि इनके नाम काटे जा सकते हैं। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और जो पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का भी पैचअप हो गया है, आला कमान से बात करके उनका टिकट पक्का हो गया है, यानी उनको दोबारा रिपीट किया जाएगा। कानपुर से सत्यदेव पचौरी को भी रिपीट किया जा सकता है पूरी इसकी संभावना है, क्योंकि कानपुर से कोई चेहरा नहीं मिल रहा है ऐसा जो टक्कर दे सके कांग्रेस को, क्योंकि कानपुर में कांग्रेस और बीजेपी में ही लड़ाई होती है। कांग्रेस को अच्छा वोट मिलता है लोकसभा चुनाव में, हालांकि अजय कपूर को तोड़कर ये कोशिश की गई है कि कानपुर में मजबूती हासिल की जाए, लेकिन सत्यदेव पचौरी को पूरी संभावना है कि रिपीट किया जाएगा। संतोष गंगवार को भी रिपीट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनके नाम थे कि उनका टिकट कट सकता है, उनको फिर से रिपीट करने की तैयारी है। तो सूची 25 की और साथ में दो गठबंधन की, अपना दल सोनेलाल पटेल को गठबंधन में दो सीटें देनी है जिसमें से एक मिर्जापुर है, दूसरी रॉबर्ट्सगंज है। इसकी विधिवत घोषणा आज हो सकती है, संभावना है कि आज ही टिकट की जो नाम है प्रत्याशियों के वो जारी हो और गठबंधन की दो सीटों का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा वीके सिंह गाजियाबाद से, उनको भी रिपीट करने की चर्चा है। तो ये चौंकाने वाली दोबारा ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लोगों को और विरोधी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को चौंकाने वाले काम करती रही है। तो आज जब सूची जारी होगी, नाम जारी होंगे, उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी कई नाम जारी होने हैं, पंजाब में भी कई नाम जारी होने, तो इंतज़ार हो रहा है। दोपहर करीब 2 बजे 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलेंगे, लखनऊ से पहुँचेंगे दिल्ली, वहाँ पर डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहेंगे, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनके साथ चर्चा होगी और सारे नामों पर लगभग मोहर लगनी तय है। पहले हो रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है, प्रतीक को, या फिर उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन अब जो कल रात के डेवलपमेंट्स हैं, कल रात के जो हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भी दोबारा रिपीट किया जा सकता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि करनैलगंज की सीट, चूँकि वहाँ पर ब्रजभूषण को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, आसपास की 4-5 लोकसभा सीटें और कम से कम 10 से ज्यादा विधानसभा सीटें ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव की मानी जाती है। देखना होगा ये चौथी लिस्ट जब सामने आती है उसमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे नाम होते हैं जो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया विवेक की जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।